Hello students, good morning. So welcome here. This is our class 11th physics thermodynamic chapter 12. We are continuing with our chapter, and here today we are coming with part 11. Okay, in the previous part I am discussing about heat engine. Okay bachche, so हीट इंजन जो हमने पढ़ा था बेटा, होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी और आपको सारा हीट इंजन का कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा. तो अब जो हम लेके आए हैं बच्चे, वो आपका पार्ट है 11, और आज हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर. बेसिकली यू कैन से दैट जो रेफ्रिजरेटर है, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द हीट इंजन. यानी कि हीट इंजन में जो हम कर रहे थे ना बच्चे, बिल्कुल उसके अपोजिट काम करना है. बेसिकली इफ आई एम सेइंग यू डायरेक्टली, हीट इंजन में हमें क्या करना पड़ता था, पहले हीट देनी पड़ती थी. पहले हमें क्या करना पड़ता था, हीट देनी पड़ती थी और बदले में हमें काम मिलता था. ठीक है, बट इसमें क्या होगा, वी आर गिविंग वर्क. मतलब पहले हमें वर्क करना पड़ेगा इस पर, देन वी आर गेटिंग हीट. रिवर्स प्रोसेस, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस. ठीक है, वर्क का मतलब आप ये बताइए, अगर आप चाहते हो आपका फ्रिज, आपका रेफ्रिजरेटर, आपके घर में जो मतलब जिस चीज़ को भी आप ठंडा करना चाहते हो वो करें, तो कब होगा ये काम, जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे. मतलब आप फ्रिज की डोरी को उठाएंगे, वायर को उठाएंगे, उसको प्लग में डालेंगे, आप उसको बिजली दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तभी तो वो आपको बदले में कुछ चीज़ों को ठंडा करेगा फ्रिज. अगर फ्रिज को आप बंद रखोगे तो क्या आपका फ्रिज काम कर पाएगा, जो आप चाहते हो, जो जो आप इनपुट आउटपुट चाहते हो वो कभी मिलेगी. सो यहाँ पे वर्क हमें पहले करना पड़ेगा, एंड इन बैक आई एम गेटिंग हीट. ठीक है, समझ गए, हेयर इनपुट इज द वर्क, आउटपुट इज द हीट. क्लियर. आप देखिए ऐसे तो होता है फ्रिज में, फ्रिज में सपोज कीजिए आपने कोई भी चीज़ ठंडी करने के लिए रख दी. सपोज अगर आपने कोल्ड ड्रिंक रखी है, ठीक है, आपको बर्फ़ आइस जमानी, बर्फ़ जमानी, तो फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो बहुत कम टेम्परेचर होता है. और जो बाहर का टेम्परेचर, आप जो फ्रिज के पीछे वाला पार्ट होता है, जो जाली से लगे, वहाँ आप जाके देखें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. इंजन में उल्टा होता है, इंजन में क्या होता है, बाहर टेम्परेचर कम होता है एटमोसफेयर में, और अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है. यहाँ क्या होता है, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है और फ्रिज के बाहर एटमोसफेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एटमोसफेयर का काम कौन करेगा, यहाँ पे एटमोसफेयर का काम सिंक सोर्स करेगा. ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं. देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम बॉडीज कोल्डर देन देयर सराउंडिंग. ठीक है, ताकि हम उन बॉडीज को उनके सराउंडिंग से, बाहर वाले एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ठंडा रख सकें. ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम बॉडीज, बॉडीज से हीट को रिमूव करने की प्रोसेस, सो दैट वी कैन मेक दम मोर कोल्डर देन द सराउंडिंग. ठीक है, सराउंडिंग से हम उनको ज़्यादा ठंडा रख सकें, दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन. और वो डिवाइस जो ये काम करती है, जो हमारी चीज़ों को ठंडा रखती है सराउंडिंग के कंपेयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर. ठीक है, द डिवाइस विच डू दिस प्रोसेस, वो डिवाइस जो ये काम करती है, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर. क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर. ठीक है, सो डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन ए लोअर टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग की बजाय. ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, मान लीजिए आपके पास कोई फ्रूट है, आप चाहते हो कि हम उसको काफ़ी दिन तक फ्रिजरो करके रखें. आपने उसको दूध है, सपोज कि मिल्क ले लीजिए, मिल्क आप चाहते हो कि दूध ख़राब ना हो. ठीक है, तो दूध ख़राब कब नहीं होगा, जब हम उसका टेम्परेचर कम करें. ठीक है, और आप चाहते हो कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, तो आपको पता है कि बॉडी अपने आप कोल्ड तो हो सकती, हॉट टू कोल्ड तो टेम्परेचर मूव कर सकता है, टेम्परेचर कोल्ड टू हॉट तो नहीं जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको किसी बॉडी को ठंडा करना है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा. ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपको हीट अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, कहाँ से, सिस्टम पे. ठीक है, मतलब ए डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन इट लोअर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सराउंडिंग. ठीक है, जो लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर लो होता है ना, बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सिस्टम. ठीक है, सिस्टम से हीट अब्जॉर्ब करके. ठीक है, सो हमेशा याद रखिए, जो हीट इंजन है और जो आपका रेफ्रिजरेटर है, बोथ आर वर्किंग अब्जॉर्बिंग डिवाइस. ठीक है, ठीक है, दोनों क्या है, वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस है, और जो उनका इंजन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. अब देखिए एक बार फ्रिज का, इसका अच्छे से हम कंसेप्ट समझते हैं.
क्या होता है, कैसे होता है, तब हम इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। देखिए बेटा फ्रिज में क्या होता है, ये देखिए यहाँ से स्टार्टअप, उसमें हमने क्या कहा था, यहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरीके से हम आए थे। सो इसमें देखिए बेटा क्या होगा कि आपको पहले एक रेफ्रिजरेटर लेना है या रेफ्रिजरेंट जो भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये है अपना इवेपोरेटर, यहाँ से क्या करेंगे हम हीट निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। ये क्या हमारा इवेपोरेटर भी बोल सकते हो, EVAPORATR, ठीक है, इवेपोरेटर मतलब यहाँ से हमें इस सब्सटेंस से हम हीट को निकालना है, यहाँ से हम हीट को एब्जॉर्ब हटाना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हीट को हटाएंगे, वी रिमूव हीट फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम हीट को हटाएंगे और जैसे ही इस बॉडी की हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी एक्स्ट्रा हीट बाहर चली जाएगी, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है इट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन एंड गिव टू द एटमोसफियर, ठीक है। क्या करता है ये, हीट हीट को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करते बाहर निकाल देगा एंड क्या करेगा ये अपनी हीट, ठीक है। तो हमें इस बॉडी को ठंडा करना है, ये कोल्ड बॉडी हमें क्या करना है, इसको ठंडा करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, ओके ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम, ये हमारा रेफ्रिजरेंट है या रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ये है हमारा फ्रिज है। तो सबसे पहले हम फ्रिज को क्या करेंगे, चलाएंगे। तो फ्रिज पे हमने वर्क किया, फ्रिज का हमने वायर उठाया और वायर को प्लग में डाल दिया, ठीक है। सो हमने उस पर काम कर दिया, अब हमने फ्रिज, हमारा फ्रिज चलने लग गया, ठीक है। फ्रिज हमने फ्रिज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड कर दी, क्लियर। तो ये जो हीट है, ठीक है, हीट T1 टेम्परेचर पे हीट क्या हो गया आपकी, ये हीट अब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से हीट रिजेक्ट होगी। तो हमने क्या करे, कोल्ड बॉडी ली, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एवेपोरेटर से, ओके, हम क्या करेंगे यहाँ से हीट निकालेंगे और यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो हमने इस बॉडी से हीट निकाली, जो हीट निकाली वो हमने किसको दे दी, रेफ्रिजरेटर को दे दी, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर ने यहाँ से हीट निकाली, ठीक है। तो Q2 क्या हो गई, हमने यहाँ से हीट निकाल के, तो Q2 ने क्या करा, इस वर्किंग सब्सटेंस ने, ये बेसिकली क्या है आपका, वर्किंग सब्सटेंस ही तो है, ठीक है। और जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो हमारा रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट, ठीक है। जो ये वर्किंग सब्सटेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट बोलेंगे बेटा, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट है, एक मिनट रुको बेटा, आ रही है फाइव जी, आ रही है, इसको हम रेफ्रिजरेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो रेफ्रिजरेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब ये चीज़ ठंडी हो जाएगी, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यहाँ का टेम्परेचर, तो इसलिए हमने इसको कोल्ड बॉडी बोला है। अब यहाँ पे हमने काम किया, इस इंजन ने चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा हीट खींच ली। देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे वर्क किया, ठीक है, और ये फ्रिज चलना स्टार्ट हो गया, फ्रिज ऑन कर दिया हमने, ठीक है। जैसे ही फ्रिज चलेगा, फ्रीजर भी वर्क करेगा, उसका रेफ्रिजरेंट भी। अब इसने मूव करना शुरू कर दिया इस तरीके से, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये काम करेगा और यहाँ से इस बॉडी की सारी हीट निकाल लेगा, ठीक है, इसकी सारी हीट निकाल लेगा, कुछ हीट, ठीक है, और जो बाकी की हीट है, ठीक है, इसको ठंडा कर देगा, ये ठंडा हो जाएगा, बाकी की हीट है वो कहाँ, हॉट बॉडी को दे देगा बाहर, ठीक है, बाहर हॉट बॉडी को दे देगा। और हॉट बॉडी क्या करेगी, जो इसको हम बोल सकते हैं कंडेंसर, ठीक है, इसको हम कंडेंसर भी बोल सकते हैं। और ये क्या करेगी, कंडेंसर या यू कैन से एटमोसफेयर, ये सारा क्या करेगा, ये किससे कनेक्ट होता है हमारा कंडेंसर, एटमोसफेयर से कनेक्ट, जो शरीर का पिछला भाग है ना, शरीर के उसके फ्रिज के पीछे, ठीक है, फ्रिज के पीछे वाला जो भाग होता है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसे ऐसे वायरिंग लगी होती है लोहे की, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उस फ्रिज के पिछले पार्ट को ही हम बोल रहे हैं कंडेंसर, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एटमोसफेयर से कनेक्ट होता है, तो सारी हीट को कहाँ भेज देगा, एटमोसफेयर में भेज देगा, ठीक है। देखिए बेटा कैसे काम करता है फ्रिज, इन रेफ्रिजरेटर हीट इज अब्जॉर्ब एट लो टेम्परेचर, हीट अब्जॉर्ब होगी लो टेम्परेचर पे एंड रिजेक्टेड एट हायर टेम्परेचर। यहाँ से हीट क्या हुई है, हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, और यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, इसको हम दे रहे हैं हीट अब्जॉर्ब करके, इसकी हीट निकाल रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क। क्योंकि जब तक ये नहीं चलेगा तब तक ये घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं तो यहाँ से हीट निकलेगी कैसे, हीट अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ये, इसलिए वर्क बहुत ज़रूरी है, ओके।
तो जब तक इसको आप चलाएंगे नहीं तो हीट अब्जॉर्ब कहाँ से करेगा। तो ये कोल्ड बॉडी से हीट अब्जॉर्ब होगी और हॉट बॉडी को हीट हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज रेफ्रिजरेंट, ये एटमोसफियर। तो सो रेफ्रिजरेटर इज ए हीट इंजन वर्किंग बैकवर्ड। ठीक है, हीट इंजन के अपोजिट ही काम करता है। सो इट इज ऑल्सो कोल्ड हीट पम्प, इसलिए आप उसको हीट पम्प भी बोल सकते हो। ठीक है, रेफ्रिजरेंट क्या है? वर्किंग सब्सटेंस यूज इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस यूज इन रेफ्रिजरेटर। ओके, और जो कॉमनली रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं वो है अमोनिया और फ्रियोन। कौन से है बेटा? अमोनिया और फ्रियोन। ओके, सो लेट क्यू टू क्या है? हमारी हीट है फ्रॉम कोल्ड बॉडी एट टी वन ट्रांसफर टू हॉट बॉडी। क्यू वन हीट है, ठीक है, जो क्या हुई है, क्यू टू ये हीट है, ये कोल्ड बॉडी से इधर गई है हॉट बॉडी की तरफ। ठीक है, टी टू टेम्परेचर पे। डब्ल्यू क्या है? एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क, जो हमने बाहर से काम किया है। और क्यू वन क्या है? हीट रिजेक्टेड टू द बॉडी, जितने हमने बॉडी को हीट रिजेक्ट करी है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू प्लस क्यू डब्ल्यू। जो हीट रिजेक्ट हुई वो किसके इक्वल हो जाएगी? डब्ल्यू प्लस क्यू वन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वर्क, वर्क कितना होगा? तो वर्क आपका होगा क्यू वन माइनस क्यू टू। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू प्लस डब्ल्यू। सो डब्ल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? क्यू वन माइनस क्यू टू। चलिए एक बार और। हाँ बेटा, ये था विलियम, विलियम कोलेन, फर्स्ट आप कह सकते हो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इसका स्ट्रक्चर दिया था 1748 में, फ्रिज का। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का। एक बार मैं आपको 3D विजुअलाइजेशन में दिखा देती हूँ बच्चे, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। कंप्रेशर क्या है, इवेपोरेटर क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आप देखिए एक बार। जी बेटा, तो ये देखिए आपका पीछे का जो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रिज, तो फ्रिज में देखिए बेटा, ये जो है ना आपका, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कंप्रेशर। ये क्या है आपका? कंप्रेशर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजर। यहाँ से आपको कंप्रेशर बोलते हैं। 3D विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये है ना जो आपको ये दिखाई दे रही है ब्लैक ब्लैक, ये क्या होती है बेटा? कंडेंसर कोयल। ये क्या होती है? कंडेंसर कोयल्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, ये आपका है इवेपोरेटेड कोयल, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। ये क्या है बच्चे? रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, आपको यहाँ देखे सारा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जो भी बॉडी, हम कोई भी बॉडी रखते हैं, तो ये इसका पूरा सिस्टम होता है। यहाँ से वो बॉडी क्या करेगी, यहाँ से, क्योंकि आपको पता है गर्म जो हॉट एयर होती है हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, तो वो यहाँ जाएगी। यहाँ से ये क्या करेगा, सारा इसका यहाँ आएगा कंप्रेस। इसको क्या करेगा? कंप्रेस, प्रेशर बढ़ेगा इसका, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको ये प्रेशर यहाँ से जाता हुआ यहाँ पे ये फिर से कोल्ड हो जाएगा, और इस तरीके से ये पूरा मटेरियल ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं जस्ट आपको ये शो करना चाहती थी कि दिस इज कंप्रेशर, इस पार्ट को कंप्रेशर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडेंसर कोयल्स। ठीक है, और ये आपका रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, तो होप आपको अभी यहाँ से देखने के बाद तो सारा क्लियर हो गया, सबने फ्रिज भी देखे होंगे और ये सारी चीज़ें भी समझी होंगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप सभी को? ओके, तो चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं हम। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निकालते हैं कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर इसको हम बोलते हैं EPR, EPR यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, या फिर इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तीनों में से कोई भी हो सकता है, और इसका फॉर्मूला आप सभी को ऑलरेडी पता है, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रीज वाले को तो ई से रिप्रेजेंट करेंगे और हीट इंजन वाले को हमने नीटा से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इसको हमें पता ही है कि हमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट, जो आपको आउटपुट चाहिए अपॉन में जो आपने इनपुट रिक्वायर्ड इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट में आपको क्या मिला है? हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, हीट ली है ना। ठीक है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी। ठीक है, कोल्ड बॉडी से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है वो आपकी आउटपुट है, और इनपुट में हमने काम किया था इस पर, तो वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट, वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो हमें हीट मिली है, क्या हीट मतलब एक्सट्रैक्ट, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी है? क्यू टू। कितना काम किया? डब्ल्यू। और डब्ल्यू किसके इक्वल है बच्चे? क्यू वन माइनस क्यू टू के। ठीक है, डब्ल्यू किसके इक्वल है? क्यू वन माइनस
Q2 के. ओके, तो दिस इज द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, अब सिंस यू नो वेरी वेल, आपको पता है कि जो T1 बाई T2 टेम्परेचर है उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, Q2 बाई Q1 बाई Q2. ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, सो इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा E कितना हो जाएगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2. तो इसको आप टेम्परेचर के फॉर्म में भी कर सकते हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है. तो यहाँ से आपको अलग से दिखाई दे रहा है जो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस है यहाँ पे, इस लार्ज फॉर स्मॉल टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पे आपको अलग से दिखाई दे रहा है जो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या है, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इज लार्ज फॉर स्मॉल टेम्परेचर. ठीक है, स्मॉल टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है आपका, लार्ज है स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए. ठीक है, यानी कि आप क्या कह सकते हो, T1 माइनस T2 बिटवीन द हॉट बॉडी एंड द कोल्ड बॉडी, बिटवीन द हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी. ठीक है, जो उनके बीच का वो टेम्परेचर गैप आया है. ओके, सो व्हेन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज बिकम इक्वल देन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बिकम इक्वल. ये बात ध्यान रखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज बिकम इक्वल, इट मीन्स ये हुआ कि E इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, T2 यहाँ पे भी T2 माइनस T2 दैट इज 1/0 एंड विच इज इन्फिनिटी. ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है इतना. सो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो हमेशा ये जो हमारा कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा तो ऑब्जेक्ट का क्या होना पड़ेगा, अगर आपको जितना ज़्यादा, देखिए जितना ज़्यादा कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट ठंडा होगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कूल रहेगा. ठीक है, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा होगा आपका ऑब्जेक्ट उतना ही कूल रहेगा, यानी कि टेम्परेचर क्या रहेगा, अंदर का कम रहेगा. ठीक है, क्लियर, समझ गए. सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए आपने हमेशा जब भी ध्यान रखें कि जो हमारा रूम होता है, ठीक है, जहाँ पे फ्रिज रखा होता है, ओके, उसके पीछे का हिस्सा कभी भी देखना तुम, वो ना वहाँ से गर्म मिलेगा. ठीक है बेटा, तो आपको ये सारा समझ में आ गया. तो क्या होती है हमारी, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं टेम्परेचर, इतनी क्या करती है डिवाइस, ये कूल करती है टेम्परेचर को. ठीक है, ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी. तो सारा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करती है ये प्रोसेस है, ये एक डिवाइस है जो क्या करती है, हीट को रिमूव करती है बॉडीज़ को ठंडा रखने के लिए, और जो रिमूव्ड हीट है उसको कहाँ भेज देती है, एटमोसफेयर में भेज देती है. सो दिस इज द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस. सो नाउ बेटा एक न्यूमेरिकल हम इस पे बेस्ड कर लेते हैं. ओके, सो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, रेफ्रिजरेंट फ्रीज 5 kg ऑफ वाटर. ठीक है, 5 kg वाटर को ठंडा कर, मतलब बर्फ़ में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, तो टाइम इंटरवल है 20 मिनट्स में कर देता है, और रूम टेम्परेचर है 20°C. तो हमें मिनिमम पावर इसकी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू, तो हमें कितनी हीट चाहिए, ठीक है, जो क्या करेगी वाटर को आइस में कन्वर्ट करेगी. ठीक है, तो वो हीट हमने मान ली Q2, ये क्या करेगी वाटर को आइस में, तो Q2 का फॉर्मूला क्या होता है, ml. ठीक है, मास इनटू, ठीक है, लेटेंट हीट कितनी होती है, 80 kJ कैलोरी पर किलोग्राम. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 kcal. ठीक है, टेम्परेचर T1 कितना दे रखा है, 20°C, जिसको हम कैल्विन में चेंज करेंगे प्लस 293 kcal. ठीक है बेटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 293 kcal. ओके, इसी तरीके से आप T2 निकालेंगे तो 0°C है, इसका मतलब ये है 273 kcal. तो यू नो वेरी वेल कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या कहेगा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यू नो Q2 बाय W इज इक्वल टू T2 बाय, ये हमने अभी कराया T1 माइनस T2. ठीक है, ये देखिए अभी हमने करा हुआ है, ये रहा,
ये देखिए इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू, ठीक है। यानी कि बेसिकली आप इसी को भी ऐसे ही लिख सकते हैं ना, इसी फॉर्मूले को बोलना है ना इसने, टी वन माइनस टी टू इसी इसको बोलना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, और जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, W इज इक्वल टू 400 इंटू 293 माइनस 273 बाई 273, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद W इज इक्वल टू 20 माइनस 20 हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करें अपॉन में 273 इंटू में 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 और 273, तो ये आपका आ जाएगा 29.3 किलो कैलोरी, ठीक है। तो दिस इज द वर्क दैट वी वॉन्ट टू गेट, ठीक है। तो इतना काम करना पड़ेगा अगर हम इतने पानी को ठंडा करना चाहते हैं। सो होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू बच्चे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।